काला पानी पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंने देखी अभी हाल फिलहाल में और उसके कुछ कुछ सीन्स और ख़ास तौर से वो सीन्स जो आपके हैं चाहे शुरुआत में करना चाहूँगा कि जब आप स्विमिंग पूल में बैठे हैं जहाँ आज की कन्वर्सेशन की शुरुआत मैंने वहीं से की और आप अपने बेटा है नाराज़ होकर के आ गया है पूल के पास पैर लटका के बैठे हैं आप पीछे से आते हैं बगल में बैठते हैं और बोलते हैं कि पापा लोग भी पापा लोग ना हाँ अपना काम में लाइफ लॉन्ग अंडर ट्रेनिंग ही रह जाता है लाइन। तो एक शेर है कि अनुभवों की पाठशाला कुमार विश्वास का शेर है अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर आ, बिल्कुल करेक्ट। तो आप उसमें एक ऐसे फादर का रोल कर रहे हैं जो रो रहा है जो हार मान रहा है जो आ, एक पति का भी किरदार निभाना चाह रहा है एक अच्छा बाप भी होना चाह रहा है तो जब आप उस कैरेक्टर को कर रहे थे क्या पूरी क्या प्रोसेस थी आपकी उसमें आप किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे तो एक तो डायलेक्ट वाइज मैं बड़ी बड़ी कहानियाँ कह सकता हूँ मैंने ये किया वो किया पर मेरे घर की बोली है ये तो डायलेक्ट वाइज मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और डायलॉग कोच हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो पता है कि छाणा कहाँ नहीं बनना है ये नहीं सारी बिहारी डाल दो कैरेक्टर का ध्यान रखना है संतोष सावला कैसे बोलता होगा थोड़ी प्यारी सी रखनी है उसकी भाषा वो था आ, दूसरा था कि कई बार जब हम भोला बनते हैं ना स्क्रीन पे तो hmm. हम हैम करने लगते हैं hmm. एक्स्ट्रा भोला बनने लगेंगे hmm. तो मेरा था कि मैं कहां कौन है ऐसा जो इतना सीधा है आई वुड लाइक टू बिलीव मेरे अंदर कुछ अपराइटनेस uh, है इन टर्म्स ऑफ मॉरल विकास कुमार के अंदर पर स्वभाव में इतना सरल hmm. इतना सीधा hmm. और जो एक कदम एक डिसीजन खुद ना ले पाता हो hmm. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि द वाइफ बेज द पैंट्स इन द हाउस वैसा वाला तो वैसा कहाँ है कोई तो ये वाइफ बेज द पैंट्स इन द हाउस वाला तो नहीं लेकिन इतना सीधा और सब लोग उसे प्यार करें और देख के ही लगे कि हाँ यार बड़ा प्यारा सा है ये थोड़ा सा थोड़ा सा इमोशनल एंगल है तो मैं ढूंढ रहा था अपने परिवार में कि क्योंकि बिहारी भी है तो, तो आ, मेरे पूरे परिवार में जो सबसे क्लोज थे क्योंकि अब hmm. वो नहीं है uh, uh, मतलब वो सेकेंड uh, वेव में उनकी मृत्यु हो गई और hmm. बड़ा आयरॉनिकल है कि हमारा शो जो है वो पैंडमिक और ये सब रिलेटेड है, है। वायरस तो मुझे और हम लोग प्यार से उन्हें पप्पू भैया बुलाते थे लोग hmm. उन्हें राजीव के नाम से जानते थे तो उनको मैंने किसी किसी को उनसे जो है कुछ यू you नो know, उन्हें नापसंद करते हुए नहीं देखा okay. सबके बड़े प्यारे थे और मुझे लगा हाँ यार पप्पू भैया कुछ हद तक ऐसे थे उनको उनकी छवि लेके चलता हूँ और आप उनके घर जाएं तो ना फैमिली फोटोग्राफ्स लगे हुए थोड़े ऑकवर्ड से हल्की सी मुस्कान समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तो जो पहला लुक टेस्ट भी था ना नहीं। नहीं। हमारा आई वॉज ट्राइंग टू गेट दो पिक्चर्स आउट एकदम मैंने वही दिमाग में रखा था कुछ बड़ा ऑकवर्ड सा संतोष सावला वैसा और वैसा रखा था हाँ तो उनके बारे में सोचा था और उन्हीं को डेडिकेट भी किया है Uh, हम लोग जब गए थे शूट करने तो पैंडेमिक पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ था ट्रैवल में तब भी हम लोग मास्क वास्क लगा के ही एंडमान गए थे अब क्योंकि एंडमान में गए थे वैक्सीनेटेड थे वहाँ भी टेस्टिंग वेस्टिंग हो के फिर था कि अब एक साथ हैं काम करें तो वहाँ मास्क नहीं पहनते थे कम से कम शूट करते वक्त uh, तो पप्पू भैया इनकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे पूरे वो थोड़े डिस्टेंट कज़न हैं लेकिन मेरे फेवरेट फैमिली मेम्बर बिहार okay. शरीफ अभी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद हुँ. जिनको गुजरे काफ़ी टाइम हो गया जब भी जाता था हुँ. मेरी मेन वजह पप्पू भैया से मिलना होता था उनके परिवार से मिलना होता था okay. तो अब वो वजह नहीं रहा खैर शूटिंग के लिए गया मैं आ, मैंने जब पप्पू भैया गुजरे थे आ, उनकी वाइफ जो मेरी भाभी हुई हम लोग सब बहुत क्लोज थे और वो मेरा कुछ भी आ रहा होता था वो देखते थे परमाणु लगी सिनेमा हॉल में बिहार शरीफ में तो वो निकले अपने घर से और मार्केट में जो मिला अरे भाई की पिक्चर लगी है चलो दिखाते हैं ये वो करके और जब भी मैं जाता था तो अलग से मटन बनवाएंगे ये करेंगे तो पूरी खातिरदारी और बहुत सारा प्यार तो उनकी मृत्यु के बाद मैंने अपनी भाभी से बात करने की कोशिश की थी और वो फ़ोन पे नहीं आती थी नहीं। और मैं समझ सकता क्योंकि आई न्यू शी विल ब्रेक डाउन कम्प्लीटली वो ऐसा रिश्ता हमारा दो तीन बार कोशिश की थी हमेशा भतीजा आ जाता था बात कर लेता था या दूसरे भैया आ जाते थे तो नाइनटीन अप्रैल उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर और एटीनथ को आई थिंक पहला दिन था शूट का मेरा ओके okay. तो मैंने शूट किया नाइन्टीन को मैंने फ़ोन किया और भाभी ने उठा लिया आई थिंक उन्हें समझ में आ गया वो थी पूजा में ही उन्हें समझ में आ गया क्यों कर रहा है तब हमारी पहली बार बात हुई तब तो मैंने उन्हें कहा ये ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ और ये पप्पू भैया पर लूसली बेस्ड है और पप्पू भैया को ही समर्पित है और उसके बाद से फिर मैं मिला हूँ बिहार गया हूँ मिला हूँ हमारे इमोशनल मोमेंट्स रहे हैं अब जब आ गई है काला पानी अब मेरी हिम्मत नहीं क्योंकि अब मैं खुद देख के ना मास्क और ये सब और वो पूरा माहौल मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि देखिए ये मेरी कोशिश रही है थोड़ी सी लेकिन मैं बोलूंगा मेरी हिम्मत वही नहीं हो रही वो देखेंगे मुझे पता है शील हैव ब्रेकडाउन्स सेवरल टाइम्स में पूरा याद आएगा लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक उनका एक आशीर्वाद है ऊपर जो थोड़ा सा भी उस कारण मुझे ये संतोष सावला किरदार करके वो जो प्यार मिल रहा है उसमें उनका भी हाथ है शायद इस वजह से ये आप बहुत सहज लगते हैं उस पूरे उसमें उतना इतना असहज मोमेंट्स में भी आप बहुत सहज लग रहे होते हैं कि हाँ ये बीत रही है इस पर हाँ वो वो तो पूरी आ, कोशिश वही थी कि बिलीवेबल लगे तभी कनेक्ट करेंगे उसके साथ इतना कुछ हो रहा है ना कि अगर ऊपरी ऊपरी हो मतलब तो रोने को हम लोग रो देते हैं हम इंटरनलाइज करके रो सकते हैं हम ग्लिसरीन लेके जब हम आंसू आ जाएगा मोस्टली लेकिन मेरा ये था कि नहीं यार ये इट हैज टू बी बिलीवेबल इट हैज टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रूथफुलनेस थैंकफुली वो हो पाया हमेशा नहीं तो आपको लगता है कि रूसा है तो क्या है ये बार बार ऐसा कुछ हो रहा है बट वो कनेक्ट बन पाया उसी कारण जब आप आए तो उसमें लेकिन वो लिखावट इतनी प्यारी है ना कि जैसे सीन के पहले जब आप आते हैं सीन करने तो मेरी वही होती है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा तो वो जो लिखा हुआ है विश्वपति ने और बाकी लोगों ने वो आपको वहाँ ले आता है ऑफकोर्स फिर आपको मेहनत करनी है आपका प्रेप काम आता है पर हाँ वो कर पाए वो वो एक कुछ तो कुछ तो काम आया है बिल्कुल एक सीन और है आपका जब आप उस गड्ढे में गिरे घिरे हुए <coughs> और वो मतलब उसमें इतने सारे मोमेंट्स हैं ना जब आप जूस जो आपकी पत्नी ने आपकी बेटी के लिए दिया है जब आप वो फेंकते हैं मतलब प्यासे हैं अंदर हैं लेकिन आप वो पीते नहीं आप वो फेंक देते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये, ये क्या हो रहा है मतलब ये क्यों हो रहा है फिर जब आप चीटियों वाला वो सीन है भैया चीटियों वाला सीन कैसे हुआ था? मतलब इसकी क्या कहानी थी कहानी थी वो तो लिखा हुआ था टफ हाँ। इसलिए है क्योंकि चीटियाँ थी नहीं वहाँ ना सांप था ना कुछ था तो वो तो सब वी में डाला है करिए एक्टर <laughs> <ये laughs> का काम है तो कई कुछ एक्टर फ्रेंड्स ने ये बोला यार तुम तो सोलो कर रहे थे उसमें और तुम्हारे पर कोई एक्टर नहीं था सांप भी नहीं था चीटी भी नहीं थी डर कैसे यू हैव टू मेक इट बिलीवेबल यू जस्ट हैव टू थिंक है अंडे थे बनाए हुए थे आर्ट डिपार्टमेंट ने हो गया आई थिंक फिजिकली ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था मैं दो दिन था गड्ढे में दो दिन लगा उस पूरे को शूट करने में आ, लेकिन फिजिकली क्या होता ना कि एक बार आप कूद जाते हो लिटरली फिगरेटिवली तो आप कूद जाते हैं ना अकेले हैं लेट्स हैव फन गिव इट ऑल बहुत चिला मैं है एक साइड तो पूरा छिल गया था वहाँ रेंगते रहो क्योंकि एक आप दोनों टांगों का सहारा नहीं ले सकते दोनों पैरों का तो वहाँ पत्थर भी है मिट्टी भी है लकड़ी वकड़ी भी है सब और आप कर रहे हैं सीन के बीच और वो फिर चढ़ना है गिरना है पहली बार जब गिरा वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट दिखाया भी गया है ऐसा गिरा मैं कि और कुछ नीचे बिछाया हुआ नहीं था शायद उन्हें भी पता नहीं था कि ये कैसे गिरेगा क्या गिरेगा छोड़ देगा अपने आप को गिर जाए और मैं गिरा पूरा गिरा तो कुछ तो आवाज़ आई तो सबको हुआ अरे क्या हुआ क्या हुआ मुझे भी लगा कुछ तो तो मैंने ऐसे ऐसे किया बोला नहीं कुछ दर्द तो हुआ लेकिन चल रहा है ठीक है कई महीनों बाद जब वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे पता लगा मैंने दिखलाया सर्जन को तो वो एक लेबरम एक चीज होती है वो फट गया है <laughs> अब वो सर्जरी से ठीक होती है या नहीं होती है तो उन्होंने बोला सर्जरी मत कराओ कुछ एक रह ही जाएगा तो इफ़ यू कैन मैनेज इट सो बेसिकली यू मैनेज इट यू वर्क अराउंड दी अदर मसल्स स्ट्रेंदन देम ताकि लेबरम की उतनी ज़रूरत ही ना पड़े उस सपोर्ट की तो उस पर काम चल रहा है थोड़ा बहुत फिजियोज -फिजियो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था सीरीज में सबसे चैलेंजिंग ये नहीं इसमें छोटे छोटे मोमेंट्स इमोशनल जो हैं कि उसके उसे बच्चे दिखते हैं और फिर हाँ। वो इमोशनल या जूसी जंबल को देख के इमोशनल होना <laughs> पहले मुझे लग रहा था अरे कैसे यार ये फ्रूटी जैसी चीज उसको हाँ। देख के कैसे लेकिन हुआ वो अगेन राइटिंग पर है और आप करते रहो बिताते रहो तो होता है चैलेंजिंग uh, दो तीन मोमेंट्स थे इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैलेंजिंग नहीं थे इन हाइंडसाइड कह रहा हूँ क्योंकि ये दो तीन मोमेंट्स में थोड़ा सा एक मोमेंट में खासकर थोड़ा अटका था मैं hmm. बाकी जगह निकल गए hmm. निकलते चले गए चैलेंजिंग बहुत था होते चला गया hmm. आ, एक मुझे वाइफ की डेथ से पहले वाला जो सीन है hmm. आ, मैं पूरा वो ई पी पी ई किट में हूँ hmm. तो पहले पी पी ई वगैरह टाइप्स तो पहना था वो पूरा उसके अंदर एक्चुअली आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है तो पहले तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली हैथस ऑफ जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ और जितने भी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स कैसे काम किया है और uh, मेरे एक फैमिली uh, डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रफुल्ल उन्होंने बताया था कि एक्चुअली डॉक्टर्स की जो इतनी मौत हुई वो तो डिहाइड्रेशन के कारण यू डोंट कम टू नो इतना पानी निकल रहा है आपके शरीर से तो उसके अंदर से एक्टिंग करना अब एक तो hmm, वो वाइजर जो होता है आप बोलो कुछ तो वो भाप आ जाए पूरा तो उसको क्लीन करो अब क्लीन करो तो कुछ और लग जाए और फिर आप इतना इमोशनल सीन है कि आप ये सब कहाँ करो बीच में तो इन सब टेक्निकल चीज और उस लोकेशन पे एसी वगैरह नहीं था तो बहुत गर्मी भी थी तो स्वेट भी कर रहा है रोना भी है जब बोल रहा हूँ भाप भी आ रहा है आ, गार्गी जो पत्नी है जो सारिका सिंह बहुत अच्छा निभाया उन्होंने उनके बेड के बगल में बैठ के फिर आधा सीन करना है ना रोना वाला पहले खड़ा हूँ फिर वहाँ तो वो बैठने के लिए दूसरा कैमरा लगा हुआ था और एकदम वो ना मार्क की। एक आगे नहीं, पीछे नहीं तो फोकस की प्रॉब्लम ऊपर देखो तो सर इतना मत देखिएगा इतना देखिएगा नहीं तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है बोला बीवी मर रही है अब, <laughs> उसकी आंखों में इसी सीन में शायद वो बोलती कभी तो आगे जाएंगे ना हाँ जाइए तो लेकिन कुल मिला के हो गया एक और चीज थी या आई थिंक जो भी एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं या एक्टर्स हैं और क्योंकि मैं अपने आप को एक्टिंग टीचर तो नहीं बोलता फैसिलिटेटर बोलता हूँ hmm. अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जैसे बाबिल खान की ही अभी वर्कशॉप ली तो मैं बातें करता हूँ और बताता हूँ कि वॉट इज़ वर्क विद मी वॉट इज नॉट और बहुत अच्छा लगा था जब कई बार उन्होंने बोला बाबा भी यही कहते थे oh. और इरफान <laughs> खान साहब आई मीन नंबर वन फॉर अस तो मतलब गॉड ऑफ एक्टिंग तो मैं बड़ा थ्रिल्ड हो जा हो जाता था उस समय जब वो ऐसा कहते थे एनी anyway, तो कमिंग बैक टू कई बार क्या होता है ना कि आप जो आप अपने कमरे में रिहर्स कर रहे हो hmm. अपने आप से या फिर जो आपने ऑडिशन में ये गार्गी डेथ वाला सीन ऑडिशन भी था hmm. मेरा भी उनका भी अलग अलग हमने किया था बहुत अच्छा हुआ था सरप्राइजिंग वो दैट इज नॉट नेसेसरली द मार्क ऑफ एन एक्टर और द टेस्ट ऑफ एन एक्टर बट फॉर दैट पार्ट है hmm. करना है बहुत अच्छा चला गया hmm. मैं जिंदगी में कभी भी रियल लाइफ में उतना रोया था ही नहीं जितना मैं ऑडिशन में रो दिया आई सर माई सेल्फ तो ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाता है यार ये वो है स्तर आपको वो छूना है तो आप सीन में ना वो ढूंढ ऐसा वो हाँ वो ढूंढने लगते हो आप शुरू में ही बैठ के और वो दो लाइनें आपने बोली एंड इफ़ यू नॉट हिटिंग दैट मार्क ना यू सडनली लीव इट क्या यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा फिर डायरेक्टर बोला रहे, रहे नहीं नहीं ठीक है तो आप रुको मत हो रहा है और फिर चार लाइने नहीं हो रहा यार आप, आपको वो करना है तो उससे होता क्या है कि भाई जो मैं ट्रूथफुलनेस की बात कर रहा हूँ आप तभी ट्रू रहेंगे जब आप वहाँ हैं आप hmm. सारी तैयारी छोड़ दीजिए आप करें यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि होगा एंड द मोमेंट आई डिड दैट एंड यार मेरे सामने इतनी अच्छी एक्टर बैठी हुई है मैं hmm. चुपचाप इनकी आंखों में देख के रिस्पॉन्ड करते रहता हूँ होगा और ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो हैं कि वाइजर में ये फॉग हो रहा है ये सब छोड़ दो और करो तो द मोमेंट मैंने ऑडिशन मुझे फिजिकल डिस्ट्रैक्शन फिर भी एक है लेकिन ऑडिशन वाला अपने दिमाग से हटाया फिर वो हो गया तो वो एक लेकिन ट्रैप है हम लोग सब फंसते हैं उसमें हमने एक सीन बहुत अच्छा किया होता है फिर हम उसे रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं जो हमें फिर रोकता है वहाँ होने में होने से हंड्रेड hmm. परसेंट और वहाँ अगर मैं हंड्रेड परसेंट आपके साथ नहीं हूँ hmm. तो फिर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा ना हंड्रेड परसेंट आपको exactly. तो जो रिस्पॉन्ड हंड्रेड परसेंट नहीं करूँगा जैसे आप बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स तो फिर मैं तो फिर कुछ मिसिंग है hmm. और इतने इमोशनल सीन में तो फिर और मेरा इतना क्राफ्ट तगड़ा नहीं है कि आ, मैं सोच लूँ कि रोना है और ऑटोमेटिकली कुछ हो जाएगा और ये सब नहीं आई थिंक अब आप उन सीन्स में आप रो रहे थे तो क्या आप जैन मतलब आप रो रहे थे हाँ हाँ पूरा रो रहा हूँ मैं अच्छा तो और और उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा भी है कि मेरा क्राफ़्ट जो है जिसको हम कई बार क्राफ़्ट गलत तरीके से भी बोलते हैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि फिर ना वो क्लासेज़ आपको मिल जाते हैं कि हाँ यार मैं ये कर लूँगा तो रोना आ जाएगा ये कर लूँगा तो हाँ फिर आप उस पर रिलाई करने लगते हैं और टू अ कीन आए वो दिख जाता है आपका क्राफ्ट दिखने लगता है कि अब आप तैयारी कर रहे हैं रोने की Hmm. वो ना आपका एक्टर अलग हो जाता है कैरेक्टर अलग हो जाता है तो अच्छी बात यह है कि अब वो हो गया ये, hmm. ये सब लाइक आई ऑलवेज से कि बिगिन विद द राइटिंग द राइटिंग इज सो गुड द डायरेक्टर्स वो सो क्लियर कि क्या चाहिए इतने अच्छे को एक्टर्स थे कि चीजें जस्ट फेल इन प्लेस अब वो कुछ भी हो सकता है वो कभी ना हो हो तो इसलिए कुछ जो रिएक्शंस आए हैं कुछ और एक्टर्स के जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है जैसे एक टेलीविजन की एक्ट्रेस हैं उन्होंने मैसेज किया था लंबा चौड़ा अब मैं सीख गया हूँ कि मैसेज रिक्वेस्ट में कैसे जाते हैं <laughs> <laughs> तो वहाँ आया था और उन्होंने यही कहा था कि मैं और मेरे दोस्त देख रहे थे और हमें ऑफकोर्स जो भी ट्रेनिंग मिली है उसमें कहा गया है कि आपका क्राफ्ट नजर नहीं आना चाहिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और हम पूरे टाइम ढूंढ रहे थे कि कभी तो ये बंदा फिसलेगा कभी तो इसका क्राफ्ट दिखेगा और हमें नहीं दिखा तो आपने ऐसे किया कैसे तो मैंने बोला इन वन लाइन ऑफ कोर्स हम बैठ के इसके बारे में बातें कर सकते हैं मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ लेकिन इन वन लाइन मुझे भी नहीं पता कि ये बस हो गया मैंने एक्चुअली क्राफ्ट नहीं है मेरा इसके पीछे कि मैं कैसे मेरा उतना ही है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ अभी क्या है थैंकफुली जब वो एम्बुलेंस वाला सीन था वो पार्थ गुच्छू जो उसकी बॉडी है लपेटी हुई सम मैं विजुलाइज कर पाया कि वो पार्थ है मैं ना मैंने बहुत वक्त नहीं बिताया था उसके साथ जो बना है एक्टर hmm. मैं ना फिर उसको बीच बीच में जाके छूता रहता था ऐसे ही ना कि वो बोले बाय सर आफ्टर अ सीन या आफ्टर द शूट तो मैं जाके ज़बरदस्ती गले लगूँ और उसको थोड़ा सा hmm. प्यार करूँगा वो बोलता था ऑकवर्ड फील मत करना आई एम जस्ट ट्राइंग टू अराइव एट दिस थिंग कि यार तुम मेरे बेटे हो एंड आई नो कि मुझे उस सीन में ना आई हैव टू ऑलमोस्ट ट्राई एंड कि एंड वो तो ऑफकोर्स बैरियर है आई कॉन्ट तो मुझे ऐसा बस लग जाए और थैंकफुली ये छोटी छोटी चीज़ें काम कर गई

तो फिर आप यू जस्ट कम देर यू ट्रस्ट योर सेल्फ ओके बिकॉज यू बी देर इफ़ यू आर ऑनस्टली देर आई नो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मैं mm -hmm. कोई ऐसा कुछ एक्टिंग क्लास गुरु ऐसा कुछ नहीं हूँ एक्टिंग क्लास नहीं ले रहा हूँ लेकिन इफ़ यू कैन ऑनेस्टली बी देर नो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ कि आएगा रोना है mm -hmm. आएगा अब उसके बारे में मत सोचो यहाँ रहो तो आएगा और फिर मीडियम है ऐसा वो कट होगा फिर से mm -hmm. आएगा अगर नहीं आ पाया एक बार दो बार तीन बार रीटेक होगा आएगा तो मैं उतने से ही आता हूं कि कहां से आ रहा हूँ फिर मैं कोशिश करता हूँ आई थिंक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है टू बी एबल टू फोकस वहां पे एंड फोकस आपका सबसे अच्छा रहेगा जब आप सबसे आसान चीज है को एक्टर मोस्टली आपके पास एक कोएक्टर होगा hmm. तो कोएक्टर है आप सारा ध्यान उधर लगा दीजिए उसकी दो आंखों में लगा दीजिए hmm. तो ये स, मतलब इट्स नॉट दैट इजी एंड इट्स नॉट दैट सिंपल बट सबसे आसान तरीका यही है फोकस में रहने का तो फिर जो भी आपकी लाइनें चल रही होंगी लाइनें नहीं चलनी चाहिए दिमाग में वो hmm. आप उतनी तैयारी करके आइए तो मेरी अनालिजी ये है जब मैं सिखाता हूँ या जो भी बातें करता हूँ शेयर करता हूँ तो ये मेरी क्रिकेट अनालिजी है कि अगर hmm. आप एक बैट्समैन हैं और नेट्स पर आपने प्रैक्टिस की hmm. अलग अलग बाउंसर की इतना hmm. आएगा तो हुक करूंगा इतना आएगा तो पुल करूंगा इतना आएगा तो डक कर दूंगा छोड़ दूंगा hmm. अब आप जब वहाँ पिच पे बैटिंग कर रहे हैं तो आप हर बॉल से पहले ये नहीं सोचते रहेंगे अब ये कहाँ फेंकेगा यू हैव टू रिलाल द प्रैक्टिस बॉल जहां आएगी मेरा बल्लो ऑटोमेटिकली उस तरफ उठेगा और सही शॉट मारेगा hmm. उतना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आप जहां फंस गए सोचने में hmm. कि अब मैं ये करूंगा या hmm. मैं डिजाइन करके की तो फिर वो ये ना प्री मेडिटेटेड शॉट तो वो लग भी सकता है hmm. और आउट भी हो सकते हैं तो वही वह, वहाँ है बेस्ट हेल्प इज बी देर सॉरी हाँ, तो और एक और दिक्कत जस्ट इलेबरेटिंग ऑन दैट जो आपने बोला था कि दिक्कत कहाँ अगेन हाइंड साइड में कर तो दिया जोश में जो मैं गड्ढे से निकलता हूँ बाहर उतनी जद्दोजहद के बाद वो सबसे पहले शूट हुआ मेरे अंडमान के दूसरे दिन क्या बात ठीक है दूसरे ही दिन सुबह तो मेरे चौबीस घंटे के अंदर वो सीन आ गया अंडमान में अलाउड भी नहीं है आप इतना बड़ा गड्ढा खोद के शूट कीजिए दूसरा यह भी है आप शूट, आप शूट खोदेंगे अगले दिन आपको असली में बाहर से जो हाथ दिख रहा है और मैं बाहर निकलता हूं और सामने पत्नी दिख जाती है अंदर की सारी स्ट्रगल और गड्ढे का पूरा तीन साढ़े तीन महीने बाद शूट हुआ बॉम्बे में एक स्टूडियो में मीरा रोड में खोद के उतना अब ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में वो शूट करना जब आपकी पत्नी गुजर चुकी है आपके बच्चे पता नहीं कहाँ हैं आप गड्ढे में गिरे हो गाइड भाग गए सारी चीजें और आपके साथ ये दो ढाई दिन आप भूखे रहे हो सांप से लड़ लिया चींटी अंडा खा लिया उल्टी कर लिए ये सब हुआ और उसके बाद आप चींटी वीटी रगड़ के निकल रहे हो तो वो एनर्जी और वो और सामने भी वी दिख जाती है यू ऑलमोस्ट यू आर इन दैट वियर्ड हो गया और एक्चुअली मेरे डायरेक्टर ने बाद में बताया मतलब मैं गया तो मेरा वही तरीका है कि मैं अपने सीन्स अपनी जर्नी पूरा अपने हैंड राइटिंग में लिख लेता हूँ अच्छा हर सीन का वन लाइनर सीन आफ्टर सीन कुछ कोई भी आप शो उठा लें या कोई फिल्म उठा लें कुछ पंद्रह एक पन्नों में वो आ जाएगा हर सीन का क्या हो रहा कहाँ हो रहा और एक बेसिक क्या हो रहा है कुछ एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग है जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है वो तो मैं दिन की सुबह वो पढ़ लेता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा हूँ क्या क्या हो चुका है फिर मैंने अपने आप को या वो पढ़ लिया पूरा कि गड्ढे में क्या क्या हुआ है फिर अमित गुलानी जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं उनको बोला यार प्लीज टेक मी थ्रू द होल थिंग इन डिटेल कि मेरे साथ हुआ क्या है ये पूरा hmm. और वहाँ तक ही टुक मी एंड फर्स्ट टेक हो गया बस वो हो गया किस मैंने तब तक लेकिन ये पूरी जर्नी क्या रही है आपको पता ही नहीं है हाँ कुछ किया ही नहीं है आपने दिस इज द फर्स्ट ट्वेंटी आवर्स ऑफ शूट और सारिका का पहला पहला दिन था वो आई थी और उन्होंने भी क्या कमाल किया और वो कुछ एक निकल गया एक एक्सप्रेशन जो मैंने कभी नहीं बनाया वो ना अब वो खुश भी है एक अजीब सा कि मतलब जो ढाई जीत भी से गया आ, है लेकिन हारा, हारा भी ना, है ना, <laughs> वो हो गया एंड एम थैंकफुल ये डायरेक्टर ने मुझे बहुत बाद में बताया कि वो जब आप निकले और हमने वो शूट कर लिया तो हमें लग गया कि ये गड्ढे वाला तो निकल जाएगा अच्छा हमें जो हम बाद में आएंगे तीन महीने बाद वो हो जाएगा वो उतनी एनर्जी हमने देख ली और जो भी चाहिए था ये बहुत अमेजिंग शो था अमेजिंग एक्टिंग है आपकी उसमें और मुझे तो बहुत पसंद आई थैंक यू